हेलो एवरीवन, आज हम लोग को पढ़ना था जैसा कि लेजर। लेकिन लेजर पढ़ने से पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन एक होमवर्क दिया था उसको जरा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, हेड्स ढूंढना। एंट्री सबको आती है, आप सभी लोग पारंगत हो गए हो, एक्सपर्ट हो गए हो। लेकिन एंट्री में अब जरूरी है कि हम किस हेड को डेबिट करें। जैसे कि मैं बोला था, स्टूल खरीदो तो स्टूल अकाउंट डेबिट तो करोगे नहीं, मेज खरीदोगे तो मेज अकाउंट डेबिट तो करोगे नहीं, आप सीधे करोगे क्या, फर्नीचर से अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। उसी तरह जस्ट लाइक यहाँ पे देखो दे रखा है, परचेज पेपर फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए हम पेपर खरीद रहे हैं, तो जो A4 शीट हर ऑफिस में आती है ना, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, स्टेशनरी। ठीक है ना। तो स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट। ओके। नाउ परचेज 1 डे लैपटॉप 45,000 फॉर यूज ऑफ सेल्स जीएम। सेल्स जनरल मैनेजर के लिए हम लोग एक लैपटॉप खरीद रहे हैं। तो लैपटॉप खरीदोगे तो लैपटॉप, फिर डेस्कटॉप खरीदोगे तो डेस्कटॉप, फिर थिंकपैड, सीधा सीधा कंप्यूटर। हाँ कंप्यूटर्स, बिल्कुल सही, कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज भी हो सकती है। तो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक, क्योंकि 45,000 मोटा पेमेंट है, बैंक से ही करोगे, है ना। नेक्स्ट अगला क्या है, परचेज 1 8 GB HP पेन ड्राइव फॉर ₹450। तो यहाँ पे देखो HP पेन ड्राइव खरीद रहे हो। पेन ड्राइव किस चीज के लिए होता है? अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर एसेसरीज में नॉर्मली क्या चीज आती है, एसेसरीज में नॉर्मली सपोज रैम खरीद रहे हो, हार्ड डिस्क खरीद रहे हो, जो कंप्यूटर्स के अंदर लगता है। ये तो एक मेमोरी डिवाइस है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये हमारे ऑफिस इक्विपमेंट्स में जा सकता है। किस में जा सकता है? ऑफिस इक्विपमेंट, जस्ट लाइक प्रिंटर। हम लोग के ऑफिस में प्रिंटर लगा होता है, तो वो भी क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट है। क्लियर। तो आप इसको क्या डाल सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस में यूज होने वाली चीज है, मीन्स इसमें हम लोग फाइल वाइल सेव करके रखते हैं। ठीक। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 450 का है तो कैश लिख सकते हैं। नाउ अगला जो क्वेश्चन है क्या, परचेज क्विक हिल एंटीवायरस फॉर ऑफिस यूज बाई कैश 990। अब देखो यहाँ पे हम जो क्विक हिल एंटीवायरस खरीद रहे हैं, एंटीवायरस एग्जैक्टली है क्या? जाहिर सी बात है कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए, बात समझे, ताकि कंप्यूटर जल्दी खराब ना हो। जैसे हम लोग अपने घर की पेंटिंग नहीं कराते हैं तो किस लिए कराते हैं, घर के मेंटेन कराने के लिए। तो जाहिर सी बात है क्विक हिल एंटीवायरस जो हम खरीद रहे हैं, ये हमारे क्या हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। किसकी हो गई? मेंटेनेंस। किस चीज के? कंप्यूटर के मेंटेनेंस। तो आप कंप्यूटर्स मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट या मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो टू कैश अकाउंट। कितने से? 990। क्लियर। तो यहाँ पे हेड्स ही मेन है। अब सीधे क्विक हिल एंटीवायरस अकाउंट डेबिट टू कैश, आजकल देखा मैंने एक आध जगह कि हाँ कुछ ऑफिसेज में कुछ लोग कर दिए एंटीवायरस अकाउंट डेबिट टू कैश, बट वो सही नहीं है। ठीक है ना, हमें ऐसे ही करना चाहिए, कंप्यूटर्स मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ नॉर्मली जो एंटीवायरस का जो आपको पता है पीरियड होता है 1 साल का होता है, क्यों, 1 साल के लिए वैलिड होती है। हाँ बट इस पे भी एक्सेप्शनल आ गया आजकल, ऐसे भी एंटीवायरस में 3 3 साल का आप खरीद सकते हो, 2 साल के साथ 1 साल फ्री, है ना। तो आजकल आ रहा है 3 साल का, तो उसको डेफर कर दो 3 साल में। अगला क्या है, रीइंबर्समेंट एयरटेल मोबाइल बिल फॉर मार्केटिंग मैनेजर 1358। अब देखो यहाँ पे हमारा मार्केटिंग मैनेजर, हम उसको दे रखे हैं फोन के, भैया फोन तुम अपना यूज करो, ठीक है, और जो भी बिल आएगा कंपनी तुमको दे देगी, पहले तुम बिल पे कर देना। हाँ रीइंबर्समेंट का मतलब जरा समझना, रीइंबर्स मतलब होता है कि पहले मार्केटिंग मैनेजर को अपना टेलीफोन का बिल पे करना होगा अपने जेब से, उसके बाद जब वो बिल दिखाएगा देन कंपनी उसको रीपे कर देगी, दैट इज कॉल्ड रीइंबर्स। ओके। इसको हिंदी में हम लोग प्रतिपूर्ति कहते हैं। क्लियर। तो घूम फिर के देखो, कंपनी के लिए तो भैया मोबाइल बिल है, मोबाइल का खर्चा है, तो सिंपल सा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1358 रुपीज। किसी को कोई दिक्कत? अगला है, मशीनरी वर्थ ₹2 लाख वॉज परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मशीन मेकर्स, डाउन पेमेंट 50,000। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी ये कैश कम क्रेडिट का एग्जाम्पल है, 2 लाख के मशीन खरीद रहे हैं और इसमें 50,000 तुरंत पे कर दिए, बाकी 1.5 लाख उधार लगा दिया। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख से टू बैंक अकाउंट 50,000 टू मेसर्स मशीन मेकर्स हो जाएगा 1,50,000 से। ठीक है, एक डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 टू मेसर्स मशीन मेकर्स। क्लियर। 1.5 लाख से।
अब देखो यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पेड LIC प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर इन कैश 1247। यहाँ देखो प्रोप्राइटर मालिक का LIC प्रीमियम कंपनी के कैश से जा रहा है, वाह तो गलत बात है ना भाई। वो उसका देखो, आप सभी को मैंने बताया था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता क्या, बिजनेस अलग होता है बिजनेसमैन अलग। तो बिजनेसमैन का अपना LIC प्रीमियम जा रहा है, अगर गुड्स का इंश्योरेंस करा रहे होते तब तो बिजनेस का माना जाता है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये ड्राइंग हो गया, मनमोहन का लग रहा है गलत हो गया है ना। तो ये ध्यान रखना ये ड्राइंग है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1247 यहाँ पे थोड़ा सा है ट्विस्ट है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे तो कोई अमाउंट ही नहीं दिया है। अ फर्नीचर डीलर परचेज, अच्छा सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है फर्नीचर डीलर है वो, परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल। तो यहाँ तो भाई फर्नीचर डीलर है तो फर्नीचर का बिजनेस ही कर रहा है, तो फर्नीचर तो उसके लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई। तो खरीद रहा है बेचने के पर्पज से, तो खरीदेगा ये बेचने के पर्पज से, तो फर्नीचर क्या हो गया उसके लिए, गुड्स हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट या टू पार्टी, हालांकि यहाँ कुछ भी नहीं दिया पार्टी का नाम, तो हम लोग उसको नगद मानेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट दिया नहीं है, अगर 10,000 होता तो कैश दिखा सकते थे, 10,000 से ऊपर होता तो बैंक दिखाते। अगला परचेज 10 केसेस ऑफ DVDs एंड 180 फॉर कैश। बात समझे, एकदम उसी तरीके से दिखाइए जैसे मैं पेन ड्राइव के लिए था। इसमें भी तो हम लोग फाइल्स रिकॉर्ड करते हैं, और DVDs में भी लोग बहुत से ऑफिसेज में DVD CDs में भी फाइल रिकॉर्ड करके रखी जाती है, जब ज्यादा बड़ी बड़ी फाइलें होती है तब, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ये ऑफिस इक्विपमेंट्स में डाल सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर ये बेचने के पर्पज से था तो ये गुड्स हो जाता, तो यहाँ तो कुछ ऐसा मेंशन है नहीं। तो कितने से, 1800 1800, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो आप लोग बता सकते हो। रिफिल्ड कार्ट्रेज ऑफ प्रिंटर 330, तो 330 रुपये से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भाई यार प्रिंटर में इंक खत्म हो जाता है तो इंक को रिफिल कराना पड़ता है, तो रिफिलिंग के को किस खर्चे में दिखाएंगे, जो सबसे पहले में दिखाए थे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 330 330। लेकिन अब प्रिंटर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ध्यान रहे प्रिंटर लिखा आपने, प्रिंटर तो एसेट हो गया ना, प्रिंटर तो ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाता है, ठीक। तो वो नहीं जाएंगे, हम लोग क्या डालेंगे इसको, प्रिंटिंग स्टेशनरी। नहीं स्टेशनरी का खर्चा है, जैसे इंक है पेन है ये सब तो खर्चा है, वैसे स्टेशनरी में डालिए प्रिंटिंग स्टेशनरी, क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ज्यादा पेपर खरीदा तो भी प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंक खरीदा तो भी। हाँ नरेशन में आप मेंशन करोगे कि क्या चीज एग्जैक्टली था, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये 9वां क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर हो गया। अब जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग को लेजर पढ़ना है, तो आज हम लोग का लेजर का टॉपिक है, व्हाट इज लेजर। तो यहाँ देखो मैंने एक सिंपल सी लाइन में लिखा,